इस वीडियो में जीके प्रैक्टिस सेट वन को कवर करने वाले हैं एंड इसका मुख्य आकर्षण हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करेंट अफेयर्स से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड 35 क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ कवर करा गया है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, तो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ए ओ ह्यूम एंड इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को करा गया था। एंड ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि ए ओ ह्यूम स्कॉटलैंड के निवासी थे, हालांकि इनकी राष्ट्रीयता ब्रिटेन, स्कॉटलैंड एंड इंडिया में था, लेकिन इनका मूल निवास स्थान स्कॉटलैंड था एंड इनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुसलमान अध्यक्ष बद्रुद्दीन तैयब जी थे एंड 1887 में मद्रास में हुए कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बद्रुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है एंड यह सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है, यानी कि बुध के बाद शुक्र का स्थान आता है एंड इसे पृथ्वी की बहन, सांच का तारा भी इसे कहा जाता है। एंड अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया जाए फ्रेंड्स कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो उसका जवाब साइरस बताना है। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल को सवाना कहते हैं एंड सवाना से तात्पर्य विशिष्ट प्रकार के वनस्पति समुदाय यानी कि घास स्थल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं? तो उसे प्रेरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि इसे आप इस तरह से याद कर सकते हैं, प्रेरी में जो अरी जो वर्ड है तो अरी यानी कि अरी यहाँ पर भी है, तो आप एग्जाम में ऑप्शन में इस तरह से एलिमिनेट कर आप सही आंसर टिक आउट कर सकते हैं, अरी यानी कि ये अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास साल्क के द्वारा करा गया था एंड पोलियो वायरस से होने वाला रोग है एंड इस रोग में तंत्रिका तंत्र नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए गए हैं वे सभी आपके एग्जाम ओरिएंटेड रखे गए हैं, तो इसे भी आपने याद रखना है क्योंकि एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन वायरस या फिर बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, तो ये सारे पॉइंट्स उस एग्जाम में आपके काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? तो पाकिस्तान नाम चौधरी रहमत अली के द्वारा सबसे पहले गढ़ा गया था एंड ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे और इन्होंने 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन एंड स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 1905 ईस्वी में कलकत्ता के टाउन हॉल में किया गया था एंड इसमें जो भी अन्य आंदोलन है यानी कि असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, ये सभी आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा करा गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था एंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? तो ये समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था एंड यह समझौता 24 सितंबर 1932 को दलित वर्गों के पृथक निर्वाचन की व्यवस्था से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नेत्रा उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया है? तो इसे
आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से लॉन्च किया गया है एंड इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे विकसित किया गया है। अगला प्रश्न, रैम का फुल फॉर्म बताएं। तो रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है एंड रैम एक वोलेटाइल या फिर टेम्प्रोरी स्टोरेज होता है। तो एग्जाम में कई बार इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि रैम किस प्रकार की स्टोरेज होती है, तो उसमें सही ऑप्शन वोलेटाइल चूज करना है। एंड यहाँ पर बताते हैं फ्रेंड्स कि रोम क्या होता है। तो रोम एक रीड ओनली मेमोरी होता है एंड ये नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होता है एंड इसे परमानेंट स्टोरेज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था। तो सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान के द्वारा अपनाया गया था एंड भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का आरंभ 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। तो नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होते हैं एंड इसका मुख्य कार्य निगम के विधायी परिषद की बैठक का अध्यक्षता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था। तो इसमें बताना है कि किस रासायनिक हथियार का उपयोग करा गया था। तो मस्टर्ड गैस का इसमें उपयोग करा गया था एंड इस गैस का वाष्प त्वचा पर फफोला पैदा कर देती है तथा फेफड़ों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। तो इसे महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है। तो ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है एंड राष्ट्रपति इसे संसद में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है। तो सबसे पहले कोरोना वैक्सीन रूस के द्वारा तैयार किया गया है। तो जान लेते हैं फ्रेंड्स रूस के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो रूस की राजधानी मॉस्को है एंड यहाँ की करेंसी रशियन रूबल है एंड यहाँ के प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में मिखाइल मिशुस्टिन हैं एंड राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूचना का अधिकार कब अधिनियमित किया गया था। तो भारत में सूचना का अधिकार 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। तो पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल था एंड इन्होंने कांग्रेस के चौथे अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में अध्यक्ष का पद संभाला था। अगला क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। तो बुनियादी शिक्षा का प्रसार सबसे पहले महात्मा गांधी के द्वारा करा गया था एंड गांधी जी ने अपने हरिजन पत्रिका में इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की थी एंड इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को मातृभाषा में 7 वर्ष तक विद्या अध्ययन करवाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत सरकार का अंग नहीं है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा भारत सरकार का अंग नहीं है। तो इस ऑप्शन के अनुसार मीडिया भारत सरकार का अंग नहीं है ऑफिशियली रूप से, इसे आपने ध्यान देना है। हालांकि मीडिया लोकतंत्र के 4 स्तंभों में से एक है लेकिन ये ऑफिशियली यानी कि संविधान में ये वर्णित नहीं है कि मीडिया भारत सरकार का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किससे है। तो E9 पहल का संबंध एजुकेशन से है एंड यूनेस्को का फुल फॉर्म जान लेते हैं फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का ये लघु रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है। तो अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि 2 वर्ष होती है एंड इसमें जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या टोटल 5 है, उसमें अमेरिका रूस चीन ब्रिटेन एंड फ्रांस है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि भारत इसका
अस्थायी सदस्य है एंड भारत ने हाल ही में यानी कि अगस्त में इसकी अध्यक्षता करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है जो वो हाउस ऑफ कॉमन्स है एंड महासभा, न्यासी परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये सब संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। तो टोटल जान लेते हैं फ्रेंड्स कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग हैं। तो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, न्यासी परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एंड सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। तो इसकी संख्या टोटल 6 है, इसे आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है? तो इस ऑप्शन के अनुसार सेना एक राज्य का घटक नहीं होता है एंड जनसंख्या, भूमि एंड सरकार एक राज्य के घटक होते हैं, लेकिन सेना संघीय सरकार की घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल टीम में एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं एंड इस खेल का उदय अमेरिका में हुआ था, इसे भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है फ्रेंड्स, तो बताना है कि उस मिश्र धातु में इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं होता है। तो उसमें सिल्वर यानी कि चांदी नहीं होते हैं एंड कॉपर, निकेल, जिंक यानी कि निकूजन, आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं फ्रेंड्स, निकूजन इसमें होता है, यानी कि जर्मन सिल्वर निकेल, कॉपर एंड जिंक का एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पर्वतारोही ने 25 बार एवरेस्ट को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह रिकॉर्ड कामी रीता के द्वारा बनाया गया है। तो जान लेते हैं फ्रेंड्स माउंट एवरेस्ट के संबंध में एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम सागर माथा है एंड तिब्बती नाम चोमो लुंगमा है। अगला क्वेश्चन, तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुति शैली है? तो तिल्लाना भरतनाट्यम की एक नृत्य की प्रस्तुति शैली है एंड भरतनाट्यम तमिलनाडु में करा जाता है एंड भरतनाट्यम का अंतिम अंश तिल्लाना कहलाता है एंड इस अंश में नारी सौंदर्य का बेहतरीन प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा करा गया था एंड इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है एंड ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया था। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो फ्रेंड्स, अगर ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जून 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? तो उसका थीम योगा फॉर वेल बीइंग था एंड अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है एंड यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है एंड पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था एंड यहां पर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जो 21 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है तो ये ऋषिकेश में मनाया गया था एंड ऋषिकेश यानी कि उत्तराखंड में इसे सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक हैं? तो पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के प्रतिपादक हैं एंड इनका जन्म जम्मू में 13 जनवरी 1938 को हुआ था एंड संतूर कश्मीर का एक लोक वाद्य यंत्र है जिसे सूफी संगीत में इस्तेमाल किया जाता था। अगला क्वेश्चन, बीमर शब्द का संबंध किस खेल के साथ है? तो बीमर शब्द क्रिकेट में यूज करा जाता है। तो जान लेते हैं फ्रेंड्स कि बीमर आखिर किसे कहते हैं। तो जब कोई गेंद तीव्र गति से बिना बाउंस के बल्लेबाज की कमर के ऊपर से फेंकी जाती है तो उस गेंद को बीमर की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो इस लीग की स्थापना आगा खान के द्वारा करा गया था एंड इसकी स्थापना 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खां एवं आगा खान के नेतृत्व में की गई थी एंड अगर इस ऑप्शन में सलीमुल्लाह खां रहता
तो भी वह ऑप्शन सही होता। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड कमेंट कर फीडबैक में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।